लखनऊ कमिश्नर मुकेश मेश्राम जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज परिवर्तन चौक पे बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। इसके अलावा पुराने लखनऊ से लेकर परिवर्तन चौक तक जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है। सर, पूरा क्या मामला है और इस तरह की व्यवस्था का क्या कारण है आज? देखिए, आम नागरिकों को किसी तरीके की परेशानी न हो, सामान्य तौर पर जीवनचर्या चलती रहे, इसके लिए जो बंद कॉल या फिर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या ज्ञापन देने के लिए एक विरोध प्रदर्शन कुछ लोगों के द्वारा दिया गया है, तो उससे निपटने के लिए पूरी की पूरी फोर्स मुस्तैद है कि किसी भी तरीके से कहीं पर लोगों को परेशानी उत्पन्न न हो। और साथ ही साथ चूंकि 144 लागू है, तो बिना अनुमति के कोई जुलूस जलसा प्रदर्शन की इजाज़त बिना जिला प्रशासन की अनुमति के की नहीं जा सकती है। तो इसलिए कहीं अगर कोई प्रयास करता है इसके विरुद्ध या इस व्यवस्था को तोड़ने का या कानून का जो उल्लंघन करने का प्रयास करता है, तो उससे निपटने के लिए ये सारी इंतजाम किए गए हैं। सर, कोई संगठन का पता चला क्या अभी तक कि किनके तरफ से कॉल की गई है, कौन लोग हैं? कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, कुछ लोगों को नजरबंद भी करने की सूचना आ रही थी, तो ये कहां तक सही है और क्या संगठन का नाम पता चल पाया अभी तक? देखिए, जहां भी किसी ने यह प्रयास किया कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा करने के लिए या सड़कों पर आने के लिए, तो उनको वहीं पर रोकने का हम लोगों ने काम किया है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुकेश मेश्राम जी, जो कि कमिश्नर हैं लखनऊ के। इन्होंने साफ किया कि धारा 144 लखनऊ में लगी हुई है, ऐसे में 5 या उससे ज़्यादा लोग अगर एक साथ कहीं पर आते हैं और मॉब के रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार लखनऊ।